अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है बिकॉज टुडे आई एम शेयरिंग माय मेकअप कि मैं कौन कौन सा ब्रांड लाइक करती हूँ और कौन कौन से ब्रांड की कलेक्शन मेरे पास है और कौन सा ऐसा मेकअप है मैं जो डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ और कौन सा वाला ऐसा मेकअप है जो कि मैं फंक्शनल यूज़ के लिए मैंने रखा हुआ है। आज ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे मेबलिन, एमरिज, रिवाज HD और लशियस ब्रांड मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहले मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी अपने प्राइमर्स की कुछ कलेक्शन। ये मैं डेली रूटीन में मैंने ये वाला यूज़ करना होता है। बहुत अच्छा है, टेक्सचर बहुत सॉफ्ट है, स्मूथ जो अप्लाई होता है ये बहुत अच्छा है। ये है मेबलिन का। इसमें काफ़ी सारे शेड्स और भी हैं, पिंक, ग्रीन, ब्लैक, येलो, काफ़ी सारे हैं, लेकिन मेरे पास ये वाला दिस वन बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद मेरे पास एक प्राइमर है, ये वाला गैबरीने का। ये भी ज़रा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है, अच्छा है, ये भी ऑयल कंट्रोल है। ये है मेरे पास एक। इसके बाद मेरे पास एक और है मेबलिन का, ये वाला, ये भी बहुत अच्छा है, इसकी लॉन्ग लास्टिंग बड़ी अच्छी, ऑयल कंट्रोल है, ये भी, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद मेरे पास एक ये एवेलाइन का है, ये वाला भी बड़ा अच्छा ब्रांड है, अच्छा है इसका, लेकिन वो मेबलिन का जो ग्रीन वाला है ना, वो मैंने डेली रूटीन में यूज़ करना होता है। उसके अलावा समटाइम इनमें से कोई ना कोई यूज़ करती रहती हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी फाउंडेशंस की कलेक्शन कि मेरे पास कौन कौन सा फाउंडेशन है। मेरे पास ये MM का है, मुसर्रत मिसबा ब्रांड की ये वाली फाउंडेशन है मेरे पास। अच्छा, ये इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ अप्लाई होती है, लेकिन ऑयल कंट्रोल है, ये वाली बेस लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छी है। एक मेरे पास ये वाली है। इसके बाद एक मेरे पास ये रिवाज HD की है, ये तो बिल्कुल ही थोड़ी सी रह गई है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत ज़्यादा। इसका शेड बहुत अच्छा है। जब भी कोई फाउंडेशन लें, उसका जो शेड है ना, वो बहुत अपनी स्किन टोन के लिहाज से देख कर लें। ये जो है रिवाज HD, इसका नंबर है 5, ये मेरे पास 5 नंबर की है, और ये है नेचुरल शेड है, नेचुरल फिनिश, ये बहुत अच्छी है, इसकी थोड़ी देर के बाद स्किन के ऊपर ग्लो आ जाता है। एक मेरे पास ये है। उसके बाद ये मेरे पास केरलॉन की है एक, और ये मैं आपको इसका शेड दिखाती हूँ। ये थोड़ा पार्टी वेयर के लिहाज से है, ये वाला थोड़ी की जो टोन है ना, वो थोड़ी सी फेयर है, ये फंक्शंस वगैरह पे अप्लाई करने के लिए ये बहुत बेस्ट है। ये है मेरे पास एक। उसके बाद एक और शेड है केरलॉन में ही मेरे पास, ये सेम नेचुरल शेड है ये वाला, ये तो आप रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका नंबर है FS45, ये बहुत अच्छी है। उसके बाद एक मेरे पास ये फेयर एंड लवली की BB है, यूज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी अपने कॉम्पैक्ट पाउडर की कलेक्शन। जो मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर है, उसमें ये है एवेलाइन का, ब्रांड नंबर 1 लिखा हुआ है, इसका नंबर है 34, मीडियम बेज 34 ये है, ये बहुत अच्छा है, अच्छा ब्रांड है ये वाला। एक मेरे पास ये है। उसके बाद मेरे पास ये है मेबलिन में, इसके नीचे ही साथ में ये, एक मेरे पास ये है, ऑयल कंट्रोल है ये सारे, SPF और ऑयल कंट्रोल ये है। उसके बाद मेरे पास ये एक लशियस का भी है, जो कि मैंने इतना यूज़ किया है कि उसका मैंने बहुत ही बुरा हाल कर दिया हुआ है। एक मेरे पास ये था लशियस का। सबसे ज़्यादा वैसे मैं रूटीन में जो है वो ये मेबलिन वाला यूज़ करती हूँ। उसके बाद अब मैं शेयर करूँगी आपके साथ ब्लश ऑन्स की कुछ कलेक्शन कि मेरे पास कौन कौन से शेड्स हैं, मैं कौन कौन से ब्रांड्स का ब्लश ऑन जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं ये दिखाऊँगी जिसे मैंने डेली रूटीन में यूज़ करना है, ये है, ये एवरी डे मैंने इसी को ही यूज़ करना है, ये मुझे शेड इतना पसंद है, ये देखें,
नेचुरल सा शेड है, बहुत प्यारा है, स्मूथ पिंक सा, टी पिंक। ये इसका नंबर है 029। ये बहुत अच्छा है, स्प्रिंग ब्लॉसम लिखा हुआ है इसके पीछे, ये बहुत अच्छा है। उसके बाद मेरे पास ये है लॉरियल का, ये जरा डार्क टोन में आ जाता है, थोड़ा सा डार्क है ये है। और इसका नंबर है, कोई नंबर मेंशन नहीं है यहाँ पे, बीबी ब्लश इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये है लॉरियल का। उसके बाद मेरे पास ये एमरिज का है, ये तो एमरिज का है, और ये जो है ये फंक्शनल यूज के लिए है, ये वाला काफी डार्क है, ये वाला। ये है मेरे पास, उसके बाद ये गोल्डन रोज का है मेरे पास, ये बेबी पिंक, ये बेबी पिंक्स है, अच्छा है ये वाला भी, इसकी शाइनिंग भी अच्छी है, फिनिशिंग भी अच्छी है। एक ब्रश ये है, उसके बाद ये मेरे पास है एक एले गर्ल का, ये बिल्कुल न्यू है अभी, किसी खुलेगा ये भी, कहीं से खुलेगा। ये है, ये भी नेचुरल सा शेड है, मैं थोड़ा सा आपको एक साइड से इसका भी शेड शो करवाती हूँ कि ये कैसा है। लाइट से शेड है, ये है एले गर्ल का, और इसका नंबर है 492, GBL 492। ये बहुत प्यारा है, नेचुरल सा शेड है। उसके बाद ये एक हाइलाइटर है मेरे पास, गोल्डन प्लस सिल्वर मिक्स है, ये बहुत अच्छा है, गोल्डन और सिल्वर मिक्स है, ये बहुत अच्छा है। एक मैं ये यूज़ करती हूँ, और ये मेरे पास है ग्लैमरस का। उसके बाद मेरे पास ये कंसीलर है, ये है रिवाज HD का, ये मैंने थोड़ा टाइम पहले ही परचेज़ की है, कुछ टाइम पहले ही, ये भी बहुत अच्छा है। शेड्स जो है बेस के, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट पाउडर और जो ये हैं कंसीलर्स, इनके जो शेड्स हैं ये आपने अपने स्किन टोन के लिहाज से लेने हैं, अपने स्किन टोन से मैच होते हुए जो है ना वो आपने लेने हैं। ये देखें इसका शेड, ये है मेरे पास एक रिवाज HD का कंसीलर है। उसके बाद मेरे पास ये एक गोल्डन गर्ल का था, ये बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, ये है मेरे पास एक। उसके अलावा मेरे पास ये है सिवाना का, ये एक कंसीलर है मेरे पास। मेरे पास ये है मेकअप सेटिंग स्प्रे, ये है एसेंस का, ये बहुत अच्छा है, मेकअप करने के बाद आप अपने फेस के ऊपर इसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे पम्प के साथ है ये, ये देखें ये पम्प के साथ ये स्प्रे आप कर सकते हैं, ताकि आपका मेकअप जो है ना वो वहीं पर फिक्स रहे। आई होप कि आपको मेरी कलेक्शन बहुत पसंद आई होगी। ये सारे ब्रांड्स जो हैं ये मुझे बहुत पसंद हैं, मोस्ट फेवरेट ब्रांड्स हैं मेरे। अगर आपको मेरी कलेक्शन अच्छी लगी है मेकअप की, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।